सो हे गाइज, वेलकम बैक टू सुधांशु सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद फाइनली एक ट्यूटोरियल वीडियो आ रही है, और इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपना लेटेस्ट सॉन्ग जो चल ऐसी जगह रिलीज़ हुआ था वो किस तरह से बनाया था। काफ़ी बॉलीवुड टाइप सॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को डिनोट करता है और मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो इनकेस आपने अभी तक वो सॉन्ग नहीं सुना तो जाके सबसे पहले वो सॉन्ग सुन लो, क्योंकि अगर वो सॉन्ग नहीं सुनोगे तो इस वीडियो में जो भी होने वाला है आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं उसी का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। और इनकेस आपको अलकाज आ रहा है, आपको नहीं जाना भाई सॉन्ग सुनने, तो उसका एक छोटा सा प्रीव्यू ये आपके सामने, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 जाके सुन लेना उसको। चले ऐसी जगह जहां पास तू मेरे हमेशा रहे, तो अब जैसे कि आपने सुन चुका है कि सॉन्ग किस तरह से सुनाई देता है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका डीकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ रोड जैसी आवाज़ आती है, इसको एक बार अच्छे से जूम करता हूँ और इसको सुनाता हूँ कि ये किस तरह का सिंथ मैंने यूज़ किया है इन स्टार्टिंग। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका पैटर्न है बेसिकली। यहाँ पर लिखा डार्क स्टॉक हाइब्रिड, जो कि बेसिकली फ्लेक्स का एक प्रीसेट है। तो विदाउट ऑल द इफेक्ट इट साउंड लाइक दिस। सिंपल्स यहाँ पे बेसिक कॉर्ड्स यूज की गई हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है पैनोमैटिक, विच इज FL स्टूडियो वर्जन ऑफ पैन मैन बेसिकली यहाँ पर, लेकिन मैंने वॉल्यूम से खेला है, वॉल्यूम को ऊपर नीचे किया जिससे कि वो टां की जगह उस तरह की आवाज देता है। उसके बाद एक पैरामेट्रिक EQ डाला है और इससे बस मैंने थोड़े से लोज कट कर दिए हैं, दैट्स इट, सिर्फ यही चीज़ मैंने यूज़ करी। उसके बाद मैंने नीचे डाला है एक E piano। ये स्टार्टिंग है जस्ट सॉन्ग की, बहुत ज़्यादा सिंपल। और E piano के लिए मैंने यूज़ किया है डायरेक्ट वेव का, जो कि FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, स्टॉक साउंड यूज़ करी गई है। तो ये जो सॉन्ग है बेसिकली ये लिरिक्स ड्रिवन है, आप जिसको सुनोगे सॉन्ग को तो आपको पता चलेगा लिरिक्स का कितना ज़्यादा डीप मीनिंग है। तो लिरिक्स ड्रिवन पूरा सॉन्ग है, तो बाकी सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो अभी जो आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में सिर्फ ये दो चीज़ें चल रही हैं। सॉन्ग की स्टार्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्रम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं स्टार्टिंग में ही। तो जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये लिरिक्स ड्रिवन सॉन्ग है, तो डायरेक्टली ये ड्रॉप के ऊपर चलता है। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर कुछ स्नेयर, उसके बाद हम डालते हैं एक हाई हैट और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ग्रुप देने के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ राइड। और आप देख सकते हो इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ डाली ही नहीं गई है। तो स्टार्टिंग का जो सेकंड है, कुछ में भी कितना सेकंड, 12 सेकंड, यही चीज़ चल रही है। और बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही ये 12 सेकंड होते हैं कंप्लीट, आपको मिलता है ड्रॉप। चल चले ऐसी जगह जहां पास तू मेरे हमेशा रहे। तो देखते हैं कि इस स्पेसिफिक पोर्शन में क्या क्या नई चीज़ आई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड करी है, ये क्या है देख, ठीक है, तो एक सिंपल सा बेस चल रहा है और बेस की आप इंटेंसिटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे कान बिल्कुल ऐसे बंद से फील होते हैं, इस तरह का बेस मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। और यहाँ पर मैंने किक इंट्रोड्यूस कराई है, सबसे पहले एक अकूस्टिक किक चल रही है ऊपर से और एक पंच की डाली है जस्ट टू सपोर्ट द लो एंड, तो कह दो देखिए तो काफ़ी ज़्यादा अकोस्टिक किक है, जो ड्रम स्टील ड्रम होते हैं उस तरह की किक यहाँ पर साउंड कर रही है, और उसी तरह की मैंने किक यूज़ करी है। इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने यहाँ पर डाली एक फिल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी सिंपल सी फिल है। बाकी नीचे जो हाई हैट है, जो स्नेयर चल रही है, जो राइड चल रही है, वो जस्ट पीछे वाला उठा के डाला गया। यहाँ पर जो आप पहली चीज़ देख रहे हो वो है हमारी मेन वोकल, जो हमारी सबसे लीड वोकल जिसे हम कहते हैं। चल
इसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल की भी आवाज़ आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि वर्थ नोटिसिंग है कि इस पूरे सॉन्ग को सिर्फ एक टेक में ही कंप्लीट किया गया है। मतलब ये पूरा एक टेक हो गया, पूरा गा दिया मैंने, उसके बाद मैंने दूसरा टेक लिया और दूसरे टेक में मैंने उसकी सेकंड लेयर्स गा दी, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर एंड देन कंप्लीशन ऑफ द सॉन्ग। सिंपल यही चीज़ की गई है। तो ये हमारी मेन लेयर है और बाकी यहाँ पर जो चार लेयर आपको नीचे दिख रही हैं, दीज आर ऑल वी कॉल लेयरिंग। चले थोड़ा सॉफ्ट ट्यून है बट साथ में अगर प्ले करता हूँ तो ठीक लगता है। चल चल चल, और अगर मैं इसको साथ में प्ले करूँ, चल चले विद दिस वोकल, चल चले। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो नीचे मैंने चार वोकल डाली है इसमें दिख तो रही होगी कि मेहनत बहुत सारी करी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पीछे क्यों है, क्योंकि बेसिकली मैं चाहता हूँ सिर्फ वो फील हो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है वोकल, लेकिन लिसनर को पता ना चले कि क्यों वाइड है वोकल। वोकल वाइड इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी लेयर्स यूज़ करी गई लेकिन सुनाई सिर्फ एक ही लेयर दे रही है। सो दिस ट्रिक आई हैव यूज्ड इन दिस सॉन्ग, और नई नई ट्रिक्स मैं खोजता रहता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहता हूँ। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ लिरिक्स ड्रिवन सॉन्ग, तो लिरिक्स में देखते हैं और क्या क्या नई चीज आ रही है। कभी दूर ना जाने दूं तुम्हें, तेरा मेरा रिश्ता बस एक जग में, जो ठहरा है ठहर जा, बस तू ही है मैं भी हूँ इस जग में, बाकी क्या लेना देना हमें दूसरों से, तेरे तो बिना डर लगता। तो जो आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, अगेन वोकल में थोड़ी थोड़ी खामियां हैं। क्यों खामियां हैं? क्योंकि वन टेक है। वन टेक क्यों है? बिकॉज एक ही टाइप फील आई, जिस टाइम फील आई उस टाइम बना दिया सॉन्ग। ठीक है, उसके बारे में हम, बैक स्टोरी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखते हो यहाँ पर मैंने एफएक्स के तरफ से मैंने यहाँ पर कुछ प्लक्स इंट्रोड्यूस कराई है। और इस प्लग्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मैंने बनाया है किस चीज़ में, तो मैंने हार्मलेस के अंदर ये प्लग बनाई है। इसमें कुछ इफेक्ट्स डाले होंगे, वो इफेक्ट्स भी मैं ऑफ कर देता हूँ फॉर अ सेकंड, सुनते हैं ज़रा। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा सिंपल सी प्लग है, और ऐसी प्लग कोई भी बना सकता है। मैंने जैसे अटैक के साथ खेला है, प्लग के साथ, और शायद से थोड़ा थोड़ा डी के और रिलीज के साथ। उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट इज EQ, किस तरह से मैंने लो एंड हटा दिया, पूरा हाई एंड भी हटा दिया, मिड में भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिप किया है, और जस्ट ये छोटा सा पोर्शन रह रहा है जो उसको एक काइंड ऑफ क्लोज्ड एनवायरनमेंट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है एक कोरस, फ्रूटी कोरस, जो वो उसको अजीब सी एक विंटेज सी एक ओल्ड वाइब दे रहा है जो मेरे को चाहिए थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला एक विंटेज वर्ब जो उसमें रिवर्ब डाल रहा है और उसको वो एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे तो किस तरह से एम्बियंस प्रोवाइड हो चुकी है। और बिकॉज यहाँ पर वर्ब डाला है तो थोड़ा सा मडीनेस के साथ खिलवाड़ होता है, तो मैंने यहाँ पर उसके बाद एक और EQ डाल दिया, तो जस्ट मेंटेन दैट थिंग। ये चीज़ है, और इसके सपोर्ट में मैंने यहाँ पर डाली है एक स्नैप, और ये स्नैप आप देख सकते हो किस तरह से पूरी तरह से ब्लर हुई पड़ी है। तो हमारे जो इफेक्ट सेक्शन है उसमें ये चीज़ ऐड हुई है। सुनने में आपको लगेगा कि ये चीज़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, बट जब मैं इसको हटाऊंगा, अभी मैं आपके सामने प्ले करूंगा एक बार इसके बिना एक बार इसके साथ, आपको फील होगा कि क्या चीज़ ये ऐड अप कर रही है पूरे सॉन्ग में। दूर ना जाने दूं तुम्हें, तेरा मेरा रिश्ता बस, और अब इसके साथ, दूर ना जाने दूं तुम्हें, तेरा मेरा रिश्ता बस एक जग में, जो ठहरा है ठहर जा। एक हल्का सा जो परसेंटेज थी जो मिसिंग थी पूरे सॉन्ग में, वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर ली है, और यहाँ पर बात भी थोड़ा सा ऐड की जा रही है, कभी दूर ना जाने दो तुम्हें, तेरा मेरा रिश्ता हो बस एक जगह में, इस तरह की बात की गई है। तो उसके वजह से थोड़ा सैड, उसको सैड वाइब भी दे रहा है वो चीज़। ठीक है, पूरा सॉन्ग हैप्पी है बट ये पोर्शन थोड़ा सैड है। और उसके आगे हम देखते हैं क्या चीज़ हो रही है। कोई रहे या ना रहे, बस तू रहे तो सब कुछ है, कैसे कहूं ये दिल की बात में। So as you can see, यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कराई है स्ट्रिंग्स, तो ये है स्ट्रिंग, और इसके लिए मैं कोई एडिशनल कोई बाहर का VST नहीं लिया, मैंने स्ट्रिंग सेक्शन लिया है ऑफ FL Studio का ही स्टॉक प्लगइन है। और इफेक्ट हम देख लेते हैं, विदाउट एनी इफेक्ट इट साउंड लाइक दिस।
काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक साउंड कर रहा है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पर डाला है फैब फिल्टर का सैटर्न 2 और इसको थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं सैचुरेट कर दिया विदाउट, और नीचे मैंने यहाँ पर डाला है एक एफएक्स। ये एफएक्स बेसिकली एक नए पोर्शन को डिनोट करता है कि नई चीज़ शुरू हो चुकी है, और साथ में यहाँ पर मेरी हाई हेट भी इंट्रोड्यूस होती है। तो फिलहाल हमारा ड्रम लूप देखते हैं कि किस तरह से साउंड करा है यहाँ पर। कैसे कहूँ ये दिल की बात में, तेरे बिना जीना नहीं सोचा, यही बाहों में मर जाऊं मैं किसी दिन। अब इसके आगे मेरे को रिपीट करना था अपना ड्रॉप, जो मेन हुक लाइन है वो रिपीट करनी थी। तो नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से रिपीट करेगा, मैंने थोड़ी सी एडवांस चीज यूज करी है इस तरह की चीज। क्या चीज़ यूज़ करी है, मैंने किक यहाँ पर हटा दी, मैंने बेस यहाँ पर हटा दी, जो स्ट्रिंग्स मस्त सी चल रही थी वो मैंने हटा दी। यहाँ पर सिंपली मेरा ई पियानो चल रहा है और मेरा सिंथ चल रहा है, किक मैंने हटा दी, यहाँ पर मेरा स्नेयर भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है मेरी। बेसिकली बस बेस हट चुका है, जो एफेक्ट्स था वो हट चुका है, स्ट्रिंग्स हट चुकी हैं और किक हट चुकी है। इन सबको हटाने से वो खाली खाली वाली फील आ रही है, और फिर कह रहा है कि चल चले ऐसी जगह, ठीक है, और उसके बाद हमारा ड्रॉप होता है। ऐसी जगह 3 2 1 गो। चले चले ऐसी जगह रहे में। तो अब हम देखते हैं कि फाइनल पार्ट में क्या क्या नई चीज आ रही है, राइट? सो वी हैव दिस सिंथ गोइंग ऑन, वी हैव दिस ईपीआर गोइंग ऑन, वी हैव दिस बेस, सिंपल सा बेस है, यहां पर मैंने ज्यादा रिदम भी यूज नहीं करी है। उसके बाद वी हैव दिस स्ट्रिंग, उसके बाद वी हैव दिस प्लक, उसके बाद वी हैव व्हाट इज दिस, ओके दिस इज द न्यू थिंग आई हैव एडेड, दिस इज बेसिकली सम काइंड ऑफ सिंथ, दिस इज सम काइंड ऑफ स्ट्रिंग, और ये थोड़ा अजीब है एक्चुअली। अगर मैं इसको प्ले करूँ आपके लिए, ये मैंने सिरम में डिजाइन किया है, तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स थे उसके सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ यूज किया है, शायद से इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट लगे होंगे, आई डोंट, सिर्फ दो अगर मैं बंद करूँ तो देख सकते हो साउंड किस तरह से चेंज होती है मेरे एफएक्स हटाते ही। तो एफएक्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरे सॉन्ग में। यहाँ पर मैंने डाला है एक विंटेज वाव, 100% का मिक्स लेवल है, डीके है करीबन 530, और इस तरह से हमारी चीज़ हो रही है। साथ में मैंने डाला है उसके बाद एक ईक्यू, और उसको मैंने बाउंडेड कर दिया उसकी फ्रिक्वेंसीज। देख सकते हो जो रिवर्ब का जो डीके है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस पार्ट में बेसिकली। फिर उसके बाद हमारी स्नैप चल रही नॉर्मल सी, हमारा जो क्रैश था वो चल रहा है, वापस से आ चुका है, और हमारा जो बेसिक सा ड्रम लूप था वो भी चल रहा है। मैंने यहाँ पर एक और किक डालने की कोशिश करी थी बट वो नहीं डाली, तो फिलहाल वो म्यूटेड है, उसकी आप चिंता मत करो। और उसके नीचे हमारी चल रही है वोकल की लेयर्स, और उसके नीचे मैंने यहाँ पर कुछ एड लिप्स रिकॉर्ड करी थी। अब सारी चीजों के बारे में बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं मेन चीज के बारे में जिसके लिए आप सब लोग आते हैं, दैट इज वोकल प्रोसेसिंग। तो वोकल प्रोसेसिंग में क्या कांड किया है, कांड नहीं एक्चुअली बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वोकल बनाई है, इन सबको एक बार देखते हैं हम कहाँ जा रही है ये सब। ब्यूटीफुल ये सब वोकल का है, और ये अपनी मेन वोकल, इसको देखते हैं। चले
ठीक है, तो ये हमारी मेन वोकल है। यहाँ पर हमने डाला है एक NS1 मोनो विच इज़ बेसिकली नॉइज सप्रेसर प्लगइन। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है ऑटो ट्यून एक्सेस जो कि ऑटो ट्यून प्लगइन हो जाता है, तो इसमें कुछ खास देखना लायक था नहीं। उसके बाद ये जो चीन है वो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं रिवर्ब और डिले फिलहाल बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम फोकस करते हैं हमारे मेन एफेक्ट्स चेन पे। सब कुछ बंद कर दिया, चले। ये वो डिफॉल्ट साउंड है जिस तरह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है OTT बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रॉ साउंड है, पीछे की भी आवाज़ आ रही है, OTT से उसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, काफ़ी ज़्यादा लो टाइप गाया है मैंने, तो उसको मैंने OTT लगाया। चले मुझे चले वो थोड़ा सा और रिफाइन हो चाहिए थी चीज़। उसके बाद यहाँ पर डाला है एक EQ जिसमें थोड़ा सा हाइज बूस्ट किया है, थोड़ा सा यहाँ पर मिड्स बूस्ट करे हैं, लोज को कट कर दिया है। ये एक बहुत बेसिक EQ है वोकल का, अगर आपको कुछ नहीं आता वोकल में कैसा EQ लगाना है तो ऐसा EQ लगा दो, काम बन जाएगा आपका। चले। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्ब सेंड के बारे में, और जो कि आप देखते हो क्या क्या चीज डली हुई है, फिलहाल बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाला है मैंने एक विंटेज वर्ब। अगर मैं आपको सिर्फ सेंड सुनाऊँ, सेंड की आवाज सुनाऊँ, तो वो कुछ इस प्रकार की। 2 सेकंड का DK चल रहा है, 100% मिक्स लेवल है। उसके बाद मैंने डाला EQ। EQ से मैंने मिड्स बूस्ट किया, क्यों? क्योंकि मेरे को मिड्स की जरूरत थी, मिड्स में काफ़ी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन मैंने क्लटर भी कम करानी थी फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए मैंने कम एलिमेंट्स डाले हैं मिड्स वाले। और हाइज को भी थोड़ा कम किया है, और बिल्कुल जो सबसे शार्प हाइज है उसको थोड़ा बूस्ट किया है, जस्ट बिकॉज वो रिवर्ब की प्रेजेंस फील हो। देन उसके बाद डाला है एक वाला विंटेज वर्ब, जी हाँ अगेन एक रिवर्ब, और ये मैंने 1.85 सेकंड का DK के साथ डाला है विदाउट दिस रिवर्ब, विद जो ऑलरेडी गूंजी हुई आवाज थी वो उसको और गुंजा दिया, और उससे ये काम हो गया। वोकल के साथ सुनते हैं इस रिवर्ब को विदाउट, चले विद चले राइट। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो रिवर्ब होता है वो बेसिकली एफेक्ट्स के लिए डालते हैं। यहाँ पर रिवर्ब जो है वोकल को सराउंड कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे कि वोकल वाइड साउंड करे। इस पूरे सॉन्ग का मोटिव यही है, जो वोकल है वो किंग है, जो लिरिक्स है वो किंग है, उसको आपको अच्छा साउंड करवाना है कैसे भी करके, उसको वाइड साउंड करवाना है कैसे भी करके। फिर हम बात करते हैं डिले के बारे में कि डिले क्या चीज़ चल रही है। रिवर्ब फिलहाल मैंने बंद कर दिया है और डिले सुनते हैं। चले काफ़ी कम है रिवर्ब, डिले। सो डिले में क्या काम किया है, स्टीरियो रिवर्ब यहाँ पर चल रहा है। जिनको नहीं पता स्टीरियो रिवर्ब क्या होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे देख लो। उसके बाद लास्ट में मैंने एक EQ डाला है जो कि एक रेडियो टाइप EQ है। अगर इसको ना डालूँ तो क्या करेगा, वो पूरा क्लटर कर देगा। और अगर मैं रिवर्ब के साथ लेकर चले, तो ये बात होगी हमारी लीड वोकल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो वोकल की लेयरिंग्स रिकॉर्ड करी है उसमें क्या कांड किया मैंने। तो ये है मेरी वोकल की लेयरिंग्स। तो जितनी भी हमारी वोकल्स हैं, ये सब ये चारों वोकल्स चले, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं लगी है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर मैंने जिस इनको पैन किया है, और फिर ये जाते हैं 13th नंबर पे जहाँ पर इन पर OTT EQ और CLA 2A लगता है, और उसके बाद फिर ये जाते हैं रिवर्ब और डिले सेंड्स में जहाँ पर इन पर इफेक्ट्स लगाया जाता है और उसको अच्छे से मक्खन बना दिया जाता है। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं एडलिब्स के बारे में कि एडलिब्स में क्या क्या इफेक्ट डाले हैं, सुनते हैं इसको एक बार। इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं कि किस नंबर पे है, तो ये 12th नंबर पे। तो अगर मैं 12th नंबर के सारे इफेक्ट्स बंद कर दूं, अच्छा एक और चीज़ देखने वाली है, 12th नंबर के इफेक्ट वापस 13 में जा रहे हैं, और 13 से फिर से वो रिवर्ब एंड डिले में जा रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी प्रोजेक्ट फाइल है मेरी, जिस मैंने सोचा मेरे कंप्यूटर में पड़ी पड़ी सड़ रही है, तो जस्ट रिलीज इट सॉन्ग, तो मैं रिलीज कर दिया। एंड थैंक गॉड मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल पड़ी है, तभी जाके मैं ये डिकंस्ट्रक्शन वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाती आई गेस। सो तो 12th नंबर पे एक बार सुनते हैं इसकी रॉ, चल चले, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है राइट। तो मैंने NS1 स्टीरियो डाला है, ऑटो ट्यून एक्सेस डाला है, थोड़ा अच्छा साउंड करने लग जाता है। वाला विंटेज वर्ब, ये वोकल मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करी थी, बहुत पहले की कंपोजिशन है, अभी जस्ट फील आया कि डाल देते हैं, एक स्पेशल ओकेजन होगा। उसके बाद एक EQ, चल चले, और उसके बाद एक पैनोमैटिक जिससे कि मैं पैनिंग को ऑटोमेट कर रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट, चल चले, अब परफेक्ट।
तो आई होप आपको अभी तक की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं उन सेगमेंट के बारे में जो कि सेगमेंट कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम म्यूज़िक की कम बात करते हैं, यहाँ पर मेन बात करते हैं हमारे बारे में। तो आर्टिस्ट कोई भी गाना बनाता है वो तभी बनाता है जब वो उसको फील करता है। उसको फील मैंने लेटली किया, एक इंसान से मैं मिला लेटली, ठीक है, और उसके बाद मैंने सोचा कि इस तरह के गाने बनाते हैं। ये लिरिक्स मेरे मन में बहुत पहले से डिसाइडेड थे और ये मेरे पास वोकल बहुत सारे पहले से डिसाइडेड थी, बट मैंने सोचा क्यों ना एक ये सॉन्ग बनाया ही जाए, क्यों ना इसकी प्रोडक्शन पूरी करी जाए। मैंने फटाफट लिया सॉन्ग को और जब अंदर से फील आती है तो प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से होती है, और एक बार जब प्रोडक्शन पूरी हुई फिर मैंने फटाफट से मिक्स फाइनल किया, मास्टर फाइनल किया एंड आई सेड रिलीज़ कर दो इस सॉन्ग को। तो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दिस सॉन्ग इज़ अबाउट माई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आगे भी सब कुछ ठीक चलता रहा, जो मैं चाहता हूँ कि ठीक चले, जो मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म हो, तो एक डायलॉग है जो मैं बोलना चाहूँगा, आई होप इट्स नॉट वेरी कॉर्नी और चीज़ी। वो डायलॉग ये है कि आई डोंट डेट टू गेट हार्ट ब्रोकन, आई डेट टू मैरी। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है और इस पूरी वीडियो में अगर आपने ये सॉन्ग की वीडियो भी देखी होगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सिद्ध हुई है। अगर मैं अपने सॉन्ग की यहाँ पर लास्ट लाइन निकालूँ जो कि मैंने लिखा था एक, तो अगर आप मेरे सॉन्ग की वीडियो देखें तो उसके लास्ट में मैं कहता हूँ, जो कि बहुत जेन्युइन फैक्ट है, ओके, लिखा है आई एम प्राउड टू माई सेल्फ दैट आई हैव फाउंड यू एंड प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द बेस्ट। और तुमसे प्राउड है क्योंकि तुम बेस्ट हो, मेरी चॉइस बेस्ट, और लास्ट में आई लव यू लिख के एक दिल बना। तो ये मेरी म्यूजिक वीडियो की एंडिंग है। जनरली इट्स नॉट लाइक दिस, बट इस बार कुछ इस तरह की चीज़ है। अगर रोमांटिक चीज़ें होती रहेंगे लाइफ में तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी आते रहेंगे, अगर सैड चीज़ होती रहेंगे लाइफ में तो सैड सॉन्ग्स भी आते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा स्टोरी टाइम भी अच्छा लगा होगा। अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता, आई होप जल्दी मैं उसको रिवील कर पाऊँ। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, आई एम सरसिंग फ्रॉम सरसिंग म्यूजिक, साइन आउट बेबी। हमेशा रहे।